हेलो सब्सक्राइबर्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसे हम एड्स कहते हैं। एड्स एक बीमारी है जो एचआईवी नाम के वायरस से होती है। एचआईवी और एड्स दोनों में डिफरेंस है। एचआईवी एक वायरस का नाम है जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जैसे कि ये दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर, जो कि अभी बीता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जाना जाता है। तो मैं अभी आप सब लोगों को एड्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और मेरे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, तब आप लोग समझ पाएंगे कि एड्स के बारे में क्या क्या हम लोगों कैसे हम बच सकते हैं, क्या इसके मिसकंसेप्शन हैं, कैसे ये फैला, इसका डायग्नोसिस क्या है। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जो हैं इसको देखें। देखिए, ये एचआईवी वायरस का डायग्राम है। ये एचआईवी वायरस लूस मॉन्टेग्लियर एंड रॉबर्ट गैलो नाम के दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये एचआईवी वायरस ऐसा माना जाता है, ऐसे तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसा माना जाता है कि चिंपैंजी यानी मंकी एप समुदाय से ह्यूमन में ये ट्रांसफ़र हुआ था। ह्यूमन में ये ट्रांसफ़र हुआ ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में चिंपैंजी या एप समुदाय जो है उसमें एक वायरस मिलता है, उसे कहते हैं एस आई वी वायरस। वो एस आई वी वायरस इंसानों ने उस चिंपैंजी या एप समुदाय का मीट खाया या उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जिसकी वजह से वो एचआईवी नाम का वायरस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो एचआईवी के फॉर्म में डेवलप हो गया। तो अब हम ये इस वायरस के बारे में हमने ये देखा कि बहुत सारे कंसेप्शंस हैं कि ऐसे फैला, लेकिन मोस्ट रिलायबल जो ये है माना जाता है कि ये चिंपैंजी से यानी एप समुदाय से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कॉज, वायरस जो है इसके फैलने के कारण क्या है। देखें, बहुत साइलेंट किलर की तरह ये काम करता है, और ये वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को फेल करता है। इम्यूनिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम WBC का होता है, तो ये वायरस शरीर के अंदर जाकर पूरी तरीके से इम्यूनिटी को ख़त्म करने में करीब 7 से 10 साल ले लेता है। हमारे शरीर में बी सेल और टी सेल टाइप की WBC होती हैं। बी सेल बोन मैरो में बनती हैं और टी सेल हमारी थाइमस ग्लैंड में बनती हैं। तो देखें, इसका कॉज क्या है। जब हम किसी से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा लेते हैं, हम ब्लड ले लेते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज ब्लड बैंक से नहीं होता है, तब उससे ये वायरस हो सकता है। इन्फेक्टेड सीरेंजेस और निडल जो कि लोग यूज़ करते हैं, उससे ये वायरस फैल सकता है। मदर अगर HIV पॉजिटिव है तो उससे उसके जो बच्चा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड करता है, उस बच्चे को भी HIV वायरस हो सकता है, होता है। इसी तरीके से हम देखें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते समय भी अगर हमने कहीं से ऑर्गन लिया है और वो व्यक्ति HIV इन्फेक्टेड है, तो उससे भी ये ट्रांसफ़र होगा। तो अभी हमने देखा कॉज, इसका मेन कॉज जो है वो यही है कि इस वायरस को फैलने में अधिकतर 90% इसका जो कॉज है वो ये है कि जो लोग अनसेफ मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, उन लोगों को ये वायरस सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेफ कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड बैंक से ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर क्लिनिक में सिरिंजेस और जो हैं वो हम डिस्पोवेन ले रहे हैं, जिसकी वजह से उससे भी नहीं हो रहा। तो अब अगर पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, तो वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ये बीमारी फैल रही है। देखिए, इसके सिम्टम्स जो हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है ये शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे इम्यूनिटी को ख़त्म करता है। तो जब ये अपना एक्शन शुरू करता है, तो जो HIV का इन्फेक्शन है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं
एक्यूट रिट्रोवायरस। एक्यूट रिट्रोवायरस के अंदर सिंपल है, उस व्यक्ति को फीवर है, कफ है, कॉमन कोल्ड है, जो जनरल इन्फेक्शन होते हैं, इन्हें प्राइमरी इन्फेक्शंस कहते हैं, ये होते हैं जिसमें उसे 15 दिन या 2 महीने, बहुत अगर चले तो 3 से 6 महीने में वो इन्फेक्शंस रिकवर हो जाते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल अपने आप में सही हो जाता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है, इसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। एसिम्प्टोमेटिक फेज में ये 5 से 7 साल तक चलता है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन उसके शरीर में नहीं होता और वो व्यक्ति ये सोचता है कि उसे कोई किसी तरीके की बीमारी है ही नहीं, क्योंकि इस फेज में वायरस बॉडी के अंदर गया हुआ है लेकिन इम्यूनिटी अभी उसे फाइट कर रही है, जिसकी वजह से वो वायरस शरीर पर हावी नहीं हो पाया। लेकिन इस 5 से 7 साल के पीरियड में वो वायरस थाइमस, हमारी ग्लैंड यहाँ होती है स्टर्नम बोन के ऊपर, इस पर थाइमस ग्लैंड से टी सेल्स जो बनती हैं उनको धीरे 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 ये वायरस किल करता है इस पीरियड में। इसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है उसे कहते हैं माइल्ड सिम्टम्स, यानी हाईली इन्फेक्शियस स्टेज। उसमें इम्यूनिटी कंप्लीट फेल हो जाती है और उसमें कंबाइंड और मिक्स्ड इन्फेक्शन उसे चालू होते हैं, जैसे उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हर्पीस जोस्टर हो जाता है, वेट लॉस होता है, क्रॉनिक डायरिया होता है, इसके साथ साथ टीबी होता है, निमोनिया होता है, कैंसर होता है और इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स होता है, एक्सेसिव स्वेटनिंग होती है, कंटिन्यूस फीवर होता है, हैवी वेट लॉस होता है इन शॉर्ट पीरियड। और अगर हम उस व्यक्ति का अब अगर हम ब्लड चेक कराएं तो ब्लड चेक कराने पर उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो टेस्टिंग करने पर एलाइसा टेस्ट किया जाता है। तो देखें फ्रेंड्स, एलाइसा टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तब ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो गया है। अब इसी के साथ साथ अगर इसका इन्फेक्शन हो गया और HIV पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास एक मोर रिलायबल टेस्ट है, उस टेस्ट को कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि परफेक्टली बताता है कि उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है ये एलाइसा टेस्ट के बाद किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मिसकंसेप्शन ये है कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से ये वायरस नहीं फैलता। दूसरा, अगर मॉस्किटो बाइटिंग है तो भी नहीं फैलेगा, जैसे एक HIV पॉजिटिव को मॉस्किटो ने बाइट किया फिर एक हेल्दी को बाइट कर लिया तो ये वायरस नहीं फैलेगा। इसी तरीके से हम देखें स्विमिंग पूल यूज़ करने से या सेम टॉयलेट यूज़ करने से HIV वायरस नहीं फैलता। HIV वायरस जो फैलता है उसका मेन कारण मैंने आप लोगों को बताया, एक अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन और एक अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंजेस एंड नीडल, ये मेन कारण होते हैं। तो अभी हमने इसका डायग्नोसिस भी समझा और इसके बाद हमने मिसकंसेप्शन भी समझा, प्रिवेंशन, एड्स कभी भी नहीं होगा, जानकारी ही बचाव है। अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने सेक्सुअल रिलेशन जो है सेफ रखें और हम कैरेक्टर के अच्छे हों, ब्लड लेने के लिए गवर्नमेंट ऑथराइज ब्लड बैंक से लें और हर बार शेविंग के समय में या हेयर कटिंग के समय में हम जो है स्टरलाइज ब्लेड का यूज़ करें और इंजेक्शन लगवाते समय हम डिस्पोवेन यूज़ करें तो हमें HIV नहीं होगा। आज HIV एक इतनी बड़ी समस्या है जिसके बारे में आज हम मेडिकल साइंस भी पूरी कोशिश कर रही है इसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाता। सैकड़ों हजारों कई करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर HIV पॉजिटिव हैं जो अभी इन 3 स्टेज में गुजर रहे हैं और इन्हीं 3 स्टेजेस में वो HIV वायरस को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं उन लोगों को ये बीमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है और साइलेंट किलर की तरह ये लोगों को मारती है। इसमें मरने में 2 दिन 3 दिन नहीं लगते, इसमें इन्फेक्शन पूरी तरीके से हावी होने में 7 से 10 साल का समय लग जाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर अगर हमें इसका पहचान हो जाए और हम डॉक्टर से कंसल्ट करें तो हम देखेंगे कुछ एंटीवायरल ड्रग जैसे ज़िडोब्यूटिन देकर हम उस मरीज की ज़िंदगी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी अब उसकी बॉडी के अंदर एंटीवायरल ड्रग उस HIV वायरस के इन्फेक्शन से लड़ेगी और उसकी ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ जाएगी। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये वायरस जो है इस वायरस की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम देखेंगे इसमें ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, इसके बाद इसमें लिपिड की मेम्ब्रेन है और इसके साथ 2 प्रोटीन के कोट हैं और इसके अंदर हम देख रहे हैं 2 RNA वायरस हैं, 2 RNA इसके जेनेटिक मटेरियल हैं।
टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्फेक्शन जो होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो बेसिकली प्लांट में इन्फेक्शन करता है। वायरोलॉजी ये कहती है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा वो प्लांट में इन्फेक्शन करता है। लेकिन ये वायरस एक अकेला ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है लेकिन ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करता है। इसका कारण क्या है मैं ये बता दूं आपको, ये वायरस रिट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है। रिट्रोवायरस का मतलब ये है कि इसके दो आरएनए स्ट्रैंड और इसके अंदर एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये जब बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो इसके दोनों आरएनए आपस में कंबाइन होकर इस तरीके से देखें, इस तरीके से दोनों आरएनए आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना लेते हैं डीएनए की, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ह्यूमन में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो इस वायरस को हम रिट्रोवायरस कहते हैं। इस वायरस के लिए हम आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। उसका कारण है ये वायरस करोड़ों की क्वांटिटी में शरीर के अंदर जाता है और करोड़ों ही वायरस अपनी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो अलग तरीके का है, जिसकी वजह से कोई भी वैक्सीन नहीं हम बना पाए और ना ही वैक्सीन इसको कंट्रोल कर पाए। हम देखते हैं कि और बीमारियों में, वायरल इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में वैक्सीनेशन कामयाब है, लेकिन इस बीमारी में वैक्सीनेशन इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि ये अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है, रिट्रोवायरस जो है, जो बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी में जाने के बाद अपनी फॉर्म्स चेंज करता है और वैक्सीन पर्टिकुलर एक शेप को किल करने के लिए काम में लाती है। तो इसीलिए इस पर कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, इस वायरस में जानकारी ही बचाव है। अगर हम इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो को आप शेयर करें, देखें, समझें, और अगर मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो से जानकारी लेकर कुछ हज़ार या करोड़ों लाखों लोगों की अगर मैं ज़िंदगी बचा सकता हूँ तो ये मेरी मेहनत सफल हुई। आप लोगों ने मुझे सुना, इसको समझा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई होप दैट यू विल ऑब्जर्व ऑल माई वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।